नंबर एक दो किसकी समझ दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा 13 फीट 4 इंच बहुत जोर। पहले लड़कों ने 13 फीट 4 इंच लगाए, पहली बार प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं। जाओ वापस। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सार्जेंट डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं आपका अपना साथी सुनील भारती, एक्सचेंज एकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 18 फीट लॉन्ग जंप कैसे मारे। दोस्तों ये वीडियो खासकर उन साथियों के लिए जो भी साथी एमपी पुलिस तैयारी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको सभी को पता है कि एमपी पुलिस में 18 फीट रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 18 फीट लॉन्ग जंप का रिक्वायरमेंट है। कभी आपने 18 फीट लॉन्ग जंप मार दिया तो आपके पूरे पूरे 30 नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो का दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि 18 फीट लॉन्ग जंप को आसानी कैसे मारे। हमारे इस वीडियो में हमारे साथी लोग हैं जो कि साथ देंगे और वो करके दिखाएंगे और मार के भी दिखाएंगे। और इससे दोस्तों क्या फायदा रहेगा, इस वीडियो से ये फायदा आपको देखने को मिलेगा कि लड़के दौड़ते कैसे, जंप कैसे लगाते, जंप लगाने की टेक्निक कैसा। इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला। ठीक है तो शुरू करते हैं, हमारे साथी लोग करके दिखाएंगे। रेडी सर? एमपी पुलिस वाले भाई गो दौड़ के, जितने लोग हैं गो दौड़ के फटाफट। 18 फीट तैयारी करे, 15 फीट कैसे मारे, 14 फीट कैसे मारे, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि लड़के क्या बिना किसी टेक्निक का, बिना किसी क्या ठीक है स्टाइलिंग लेंथ के कारण क्या कुछ कर ही नहीं पाते। वो सीधा आते और सीधा जंप कर जाते, उन्हें पता नहीं रहता कि अपना कौन सा दाहिना पैर निकाले या बायां पैर, वहां से स्पीड किस तरह रखे, नजदीक आए तो किस तरह आपको जंप ले, हाथों का मूवमेंट कैसे रहे, ये चीजें आप लोग करते ही नहीं है। इस कारण क्या है आपकी जो जंप करने की तकनीक होती है वो धीमी हो जाती, आप जंप नहीं कर पाते उतना। ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही करके बताऊंगा और मेरे साथी लोग भी करेंगे। ठीक है अंत तक जरूर देखिएगा। रेडी? सबसे पहले दोस्तों आप क्या करते हैं, वहां से जब आप शुरू करते हैं तो वहां से स्पीड आते हैं और यहां से आके बिल्कुल ढीला हो जाते हैं, बिल्कुल धीमा हो जाते हैं, जिस कारण क्या है आपकी बॉडी क्या उतना जंप नहीं कर पाती। याद रख लेना, वहां पे अगर काफी आपने 90% ताकत साथ एनर्जी के साथ खींचा है तो आधे आते आते केवल आप 70 या 60 तक घटा के लाए। कहने मतलब है कि केवल 70 या 60% तक ही अपनी रफ्तार को घटाए, ना कि पूरे आप घटा लेते बिल्कुल, पैर को बढ़ाना शुरू कर देते, ये गलती आता था भाई, ये गलती ना करें। ठीक है अभी आप वहां से मैं स्पीड से आ रहे हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है और यहाँ पे आए तो यहाँ पे पास में जैसे आए तो थोड़ी सी हल्का ढीले और क्या थोड़ा ध्यान से समझो क्या। और एक गंदी आदत आप लोग ये भी करते हैं कि नीचे देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब भी लॉन्ग जंप मारे याद रख लेना, वहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो सीधा वहीं पे दिमाग में बैठा लीजिए, नीचे बार बार देखने की कोशिश मत किया करिए। जब आप बीच में आते हैं क्या है नीचे देखते ना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या तालमेल बैठ नहीं पाता। ठीक है याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे दौड़ना। ठीक है आ जाइए बाकी लोग, हमारे साथी लोग आ जाओ फटाफट जो जंप करने वाले हैं। रखे जब भी आप यहाँ शुरू करें, ठीक है उधर दिखा दीजिए, वो अपना क्या है लॉन्ग जंप का फील्ड है उधर। ठीक यहाँ से अपना ट्रैक है, इसे ट्रैक मान सकते हैं। और यहाँ से जब आप जंप करें ठीक है किस तरह आप स्पीड बना के चले ताकि आप एक अच्छा जंप कर सकें। ठीक है ध्यान रखिए आपको क्या करना बाबू, जहाँ से आप जब भी जंप स्पीड बनाए अपनी रनिंग बनाए तो हल्का सा पंजे पे ये चीज आपका जो आपका पैर है ना पंजे पर रहे। ठीक है और बिल्कुल उठा के और थोड़ा सा दाएं बाएं, थोड़ा सा आपको पैर को दाएं बाएं, कुछ लड़के सीधे बिल्कुल दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप सीधा करते हैं तो जो आपका ये ठीक है मसल है ये बिल्कुल सीधा जाता है तो उसमें पावर उतना नहीं बढ़ता है। याद रखना मैं बताता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह बनाए पोजीशन। ठीक है और यहाँ पे बिल्कुल दाएं बाएं बिल्कुल खींच के और पंजे पे ध्यान रखो दोस्तों, जितना ज्यादा आप एनर्जी के साथ खींचोगे और पंजे पे उतना ज्यादा क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी। और कभी स्पीड आ गई तो आप अगर जंप ले रहे हैं और हाथों का मूवमेंट स्विंग कर दिए तो एक बहुत ही अच्छा जंप जाएंगे। समझो क्या चलो यस सर। और दूसरी तकनीक में ये बता दे रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से स्पीड करें और जैसे जैसे वहां पे जाए नजदीक आए, मैं चाहूंगा आप थोड़ा नजदीक आइए, जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पहुंचे हाफ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या शुरू करें कि स्ट्रेट लेना शुरू करें और थोड़ा छोटे छोटे कदम, जिस तरह आप पहले शुरुआती में आप लंबे कदम ले रहे थे तो यहाँ पे आए तो छोटे छोटे कदम लेना शुरू करें और सामने देखते रहे। गलती लड़के यही करते बार बार नीचे देखना शुरू कर देते, जिस कारण क्या है
उनका लॉन्ग जंप अच्छा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। चलो भाई रेडी, खींच के पूरा समझ, हाथ का मूवमेंट सीधा, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने गलती किया, दोस्त आप ये गलती कभी ना करें। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आगे जंप ले लिया, ठीक है, या सुनो, अगर आपने आगे जंप लिया दोस्तों तो केवल 3 बार आपको मौका मिलता है, उसके बाद आपको बाहर कर देंगे। सौरव फाउल माना जा रहा है यहाँ पे, तो ये गलती ना करे, जब भी जंप करे इस लाइन के अंदर ही जंप करे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रे पूरी ताकत का, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने गलती किया बाबू, एक पहले मेजर करते हैं उसके बाद बताते हैं गलती आपकी। बहुत बड़े दोस्तों, देख सकते हैं 16 फीट, दिखा सकते हैं कैमरामैन, मैं चाहूंगा आप दिखाइए बारीकी से, पूरे वहां तक दिखाइए, पूरे वहां तक दिखाइए दूर से, इस तरह दोस्तों क्या पूरे 16 फीट इन्होंने मारा है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा दौड़ के आ जाइए, इनकी गलती मैं बता देता हूँ। आ जाइए भाई, ओए मिटाइए नहीं उसे, अभी रुकिए। आपने क्या गलती किया है, आप एक तो वहां पे हल्का सा इनका जो पैर पड़ गया था, ठीक है, आपके 3 अंगुल बाबू पड़ गए, ठीक है, एक दो अंगुल पड़ते हैं तो मन चला जाता है, मान जाता है, ठीक है, फाउल नहीं माना जाता, लेकिन कभी आपका 3 अंगुल पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको फाउल माना जाएगा। और दूसरी बात, आपने गलती यहाँ क्या किया कि आपने यहाँ पे आने के बाद पूरी बॉडी का बैलेंस पीछे कर दिया, हाथ पीछे रख दिए, ये भी आपको जहाँ से आपने किया वहीं पर माना जाएगा, ये गलती ना करें, ध्यान रखें। आप आगे गिरे हैं तो बॉडी को कोशिश करें आगे फेंकने का, समझो क्या, आगे फेंकिए। नेक्स्ट, चलो ये गलती मत करना, जाओ दोबारा में लेके आओ, समझ, चलो भाई रेडी, जल्दी से बजर कीजिए फटाफट, जल्दी से, बहुत बढ़िया, 14 फीट 7 इंच, समझ। नेक्स्ट, फिर से थोड़ा पैरों की स्पीड करो यहाँ पे, बहुत सारा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा आपने यहाँ पे जंप किया, थोड़ा स्पीड लाओ ना, आप पैर दबा के चल रहे थे, तो पैर खोलो, ठीक है, जल्दी से मेजर कीजिए फटाफट इनका, 13 फीट 1 इंच, ठीक है, लगभग 13 फीट, चलो भाई नेक्स्ट, पूरा खींच के, बहुत बढ़िया समझ, चलो भाई नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो फटाफट जल्दी से, तेरह फीट 9 इंच, चलो रेडी, चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे आप फाउल है, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पैर ध्यान रखो, ठीक है, एक बार मेजर करते हैं, आगे 14 फीट 5 इंच, किस चीज की तैयारी करो आप, एमपी पुलिस ना, कितने मार्क्स है, 76, थोड़ा तो कैमरा में देखिए, 76 है, कहाँ से, मतलब यूपी से, यूआर आधार में जाएंगे, हाँ। ना आधार में 76 है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, हाँ। ठीक है, वापस जाओ, रेडी नेक्स्ट, बस एवरीथिंग भैया खींचो, बहुत धन्यवाद, आपने जंप कम कर दिया बंगा भाई, 13 फीट 4 इंच, ठीक है, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, और मैं चाहूँ कैमरा मैन दिखाइए इनको, ठीक है, एमपी पुलिस, यस सर, कितने मार्क्स है, 77 सर, 77 मार्क्स, नाम क्या है, प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, कैटेगरी कौन सी आएगी, जनरल आएगी, जनरल आएगी, ठीक है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, अभी सर कोई संभावना नहीं दिख नहीं रही है, 15 अक्टूबर तक हो सकता है सर, ठीक है, अभी अकेडमी ज्वाइन किया कितना दिन हुआ, 15 दिन हुआ सर, 15 दिन के आसपास हुआ है, ठीक है, तो 15 दिन में ऐसा लग रहा है कि मेहनत हो रही है, यस सर, वर्कआउट वगैरह अच्छा लग रहा है सर, एकदम अच्छे से, ठीक है, क्या कहना चाहोगे जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, सर लगे रहे सब अच्छे से, मेहनत करिए, दोस्तों लगे रहिएगा, एमपी पुलिस इस बार हाथ से मौका जाने मत दीजिएगा, याद रख लीजिएगा, इस बार लपक के मेहनत करो, कभी इस बार आपने मेहनत कर लिया तो याद रखिएगा आपके सपने पूरे हो जाएंगे, अपने माता पिता और घर वालों का सपना पूरा हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्त, एक वैकेंसी है, ठीक है, अपने नाम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट, भाई 17 फीट,